हमारे इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको जो है काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से प्रॉमिस करते आ रहे हैं कि हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। इसमें फाइनेंस चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी एग्री किया, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर ने किया, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज की ये पोजीशन है कि काफ़ी फैक्ट्रियां बंद होने के करार पे पहुंच गई हैं। उसका रीज़न है कि जीएसटी में से पहले जो हम लोगों को इंसेंटिव मिलते थे वो इंसेंटिव 8 जुलाई से ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के प्रोमिसज हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट इस पर बैठी है। अभी नया एक्सक्यूज दे दिया जी कि हम जी सेंटर का पैकेज आएगा उसके बाद देंगे, जबकि सेंटर के पैकेज का स्टेट के पैकेज के साथ कोई लेना देना नहीं है जो है। तो मेरी तो यही अपील है गवर्नमेंट से कि अगर यहाँ इंडस्ट्री को बचाना है तो विदाउट एनी डिले अगर ये अनाउंसमेंट अपना नोटिफिकेशन लाते हैं ठीक है, अदरवाइज अगले महीने 20 तारीख से पहले क्या यहाँ काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, क्योंकि रीज़न है लोगों के पास जमा कराने के लिए पैसे ही नहीं है, उनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट सारी यूज़ हो चुकी हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि एज अर्ली इमीजिएटली जो नोटिफिकेशन का प्रॉमिस किया गया है उस प्रॉमिस को निकाले, क्योंकि सेंटर के नोटिफिकेशन स्टेट से नोटिफिकेशन कुछ लेना देना नहीं। हम अगर हम तो जरूर चाहेंगे, हम तो कहते हैं कि आज अगर सेंटर में राजनाथ सिंह जी या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से अगर हमको मुलाकात का टाइम मिल जाए, हम उनको ब्रीफ करेंगे कि स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेट की जो हालत है, ये लोग क्या कि जो हमारे यहाँ पे लोग पॉलिटिशियन बैठे हैं ये वहाँ पूरा ब्रीफ नहीं करते हैं कि स्टेट में इंडस्ट्री की क्या हालत चल रही है, क्या इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास मार्केट ही नहीं, हम स्टेट के अंदर ही माल बेच रहे हैं। आज क्या हो रहा है कि हमारे को इंसेंटिव खत्म हो गए हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उन स्टेट से सारा माल आ रहा है, हमारा माल बिक नहीं रहा, क्योंकि जो जीएसटी में एक रेट हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया। तो उसमें क्या कि जब तक ये इंसेंटिव हमारे को क्या एडिशनल रॉ मटेरियल की कास्ट पड़ती है, हमारे पास मार्केट ही नहीं है। तो इसलिए अगर हम यहाँ इंडस्ट्री को बचाना है तो इनको इंसेंटिव देना ही पड़ेगा। एंड जस्ट न्यूली अपॉइंटेड, न्यूली इलेक्टेड, जस्ट ए वीक बैक आई हैव टेकन चार्ज। सर, जिस तरह की आज तक इंडस्ट्री को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम के बारे में यही कुछ कहना चाहूँगा कि जो हमारे पहले टीम थे, हमारे प्रेडिसेसर थे, दे हैव टेकन अप द मैटर विद द गवर्नमेंट, जीएनके गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, बट नथिंग हैज़ कम आउट, रिजल्ट तो कोई आया नहीं। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के इसको बहुत जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए, और स्टेट गवर्नमेंट जो भी उनके उन्होंने इंसेंटिव दिए थे पहले उसमें वैट रिजीम में, वही अगर इसमें मिल जाए, और साथ में इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, सब क्रिपल हो रही है, जितना इन्होंने दिया है उसमें सभी इंडस्ट्री का कोई इस वक्त बहुत बुरा हाल हो रहा है। जिस उसमें हमारी ट्राई यही है कि गवर्नमेंट ने जो अश्योरेंस दी है तो अश्योरेंस को अर्लीस्ट पॉसिबल उसको फुलफिल करें और नोटिफिकेशन निकाल लें।